दिल्ली की समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने शहरी बेघर भिखारियों के पुनर्वास के क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न व्यक्तियों और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में भिखारियों के पुनर्वास के लिए शहर केंद्रित कार्य योजना तैयार करने के विषय पर विस्तार से चर्चा की गई। समाज कल्याण विभाग की ओर से आयोजित इस बैठक में विभिन्न सरकारी विभागों जैसे दिल्ली पुलिस, दिल्ली सुधार आश्रय बोर्ड के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। राजेंद्र पाल गौतम ने बताया कि यह बैठक दिल्ली में भीख की रोकथाम और भिखारियों के पुनर्वास के लिए एक व्यापक कार्य योजना बनाने के विषय में हुई थी। उन्होंने इस उद्देश्य के लिए एक सामाजिक आर्थिक पुनर्वास रणनीति बनाने और समाज में व्यापक जन जागरण तथा नागरिकों को शिक्षित करने के कार्यक्रम करने की आवश्यकता है। समाज कल्याण मंत्री ने इस विषय से जुड़े सभी हितधारकों से एक व्यवहारिक मॉडल को अपनाने की अपील की, जिससे सही तरीके से एक दिशा में प्रयास किए जा सके। इस बैठक में उपस्थित विभिन्न हितधारकों ने भी इस बात पर आम सहमति प्रकट की कि इस समस्या के उन्मूलन के लिए सभी सरकारी विभागों, संस्थानों और नागरिकों के बीच एक बेहतर तालमेल होना आवश्यक है। इस बैठक में दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष अनुराग कुंडू, दिल्ली सुधार आश्रय बोर्ड के सदस्य विपिन सहित दिल्ली पुलिस समाज कल्याण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। ये है DID में खबरें, अब तक इंतजार कीजिए शाम तक।